हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर मेंस पेपर एंड व्हाट टू अटेम्प्ट, यानी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पहले अटेम्प्ट करना है सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन मिनिमम अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर आपकी स्पीड स्लो भी है तो मैं आपको बताऊंगा आप मैक्सिमम मार्क्स तक कैसे स्कोर कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा पेपर को अटेम्प्ट करने की, समझ लो, प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा और कोशिश करूंगा सब चीजें रिफ्रेश कर दूं माइंड में आपकी। पता आप सबको सब कुछ है, लेकिन ये वीडियो देख लोगे तो आपको एक कॉन्क्लूजन मिल जाएगा, आपको एक प्रॉपर अप्रोच मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में मैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में बाद में आऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स की, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलॉक्स की। सिलॉक्स हो या रिवर्स सिलॉक्स हो, इसे आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कोडेड ब्लड रिलेशन हो या ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप ऐसा मत करना स्टार्टिंग में ही आप पजल करो, स्टार्टिंग में मत करना। होता क्या, आप ये टॉपिक्स करोगे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो वो उससे हेल्प करता है, पजल भी आपको आसान लगेगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए सिंपल ट्रिक होती है, वो सब आपको पता ही है, उसे अटेम्प्ट करना। डायरेक्शन बेस्ड कोडेड डायरेक्शन आ जाता है तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। मशीन इनपुट आउटपुट बिल्कुल सॉल्व करना है ना, उसे स्किप मत करना, इजी क्वेश्चन होता है। इनपुट आउटपुट कई तरीके का हो सकता है, ठीक है, चाहे नंबर्स बेस हो, ठीक है, नोमेरिक बेस हो सकता है, अल्फाबेट अल्फा नोमेरिक हो सकता है या ओनली अल्फाबेट, ये आपको प्रैक्टिस करनी है तो उधर से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। कोडेड इनइक्वालिटीज बिल्कुल अटेम्प्ट करना, इजी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इससे। क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट या क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट है और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस है, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। भाई इंग्लिश में भी तो आपको आरसी अटेम्प्ट करना होता है, यानी आपकी रीडिंग स्पीड जब अच्छी है तो क्रिटिकल रीजनिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स देख लो, उसमें टाइम नहीं लग रहा ज्यादा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आराम से 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, बताइए क्लियर है इतनी बात। और अब मैं बात करता हूँ पजल की या सिटिंग अरेंजमेंट की। आपको ऐसी पजल स्टार्टिंग में इग्नोर करनी है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, समझ लो, स्टार्टिंग में अगर टाइम बचता है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आपको ब्लड रिलेशन दे दिया तो स्टार्टिंग में आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर उसके संग आपको डायरेक्शन दे दिया, तीनों दे दिए एक साथ, तो ऐसा मत करना, उसे ये स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, उसके उसे हम करेंगे अगर हम पे टाइम बचता है तो। ठीक है, मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट देखे गए हैं, मैक्सिमम जो पजल देखी गई है बैंकिंग में, वो इसी टाइप की पजल देखी गई है। जैसे कि मैं बात कर दूं, इन दोनों को कंबाइन करके दे सकता है, सिंगल सिंगल दे सकता है, इसमें दो या तीन वेरिएबल ऐड कर सकता है वो अपने हिसाब से। होता क्या है, सब चीजें वही होती है, चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। फ्लोर ये तो आनी आनी, ये 100% आनी है, 90% तो श्योरिटी है ही। डबल फ्लोर, इसमें होता क्या, फ्लोर होगा और फ्लैट होगा और एक वेरिएबल और होगा, इस टाइप की एक पजल हमेशा देखी गई है। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट देखी गई है हमेशा, आप सबको पता है। ठीक है, इसमें हो सकता है रेक्टेंगल दे दे प्लस वन वेरिएबल दे दे, क्योंकि क्लर्क मेंस है, पीओ में हो सकता है दो वेरिएबल आ जाए। डेट ऑफ बर्थ एज वाइज इसमें एक वेरिएबल और मिल जाएगा आपको। डबल पैरेलल रो मिल सकती है, पैरेलल रो में प्लस एक वेरिएबल और होगा, और एक लीनियर रो से पजल आ सकता है जिसमें अननोन पर्संस होंगे। आपको समझ में आ गई, पहले आपको ये अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप जब पजल अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझना है कि कौन सी पजल है जिसको आपको इग्नोर करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया, रीजनिंग में आप इस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट में डेटा सफिशियंसी अगर आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना। देखो जी, डेटा सफिशियंसी में आपको एब्सोल्यूट आंसर फाइंड नहीं करना होता, डेटा सफिशियंसी में होता है सर कंपैरिजन, समझ रहे हो मेरी बात, यही चीज मैंने आपको इधर समझाई है। ये जो मैंने लिखा है ना, डेटा सफिशियंसी इन 30 सेकेंड्स पॉसिबल है, हर एक क्वेश्चन में नहीं है, मान लो एक आध क्वेश्चन में भी अगर पॉसिबल है तो आपको उधर से मार्क्स आपको गेन ही होंगे। ठीक है, क्यों पॉसिबल है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है, तो सारे स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने, इधर हमें कंपैरिजन करना होता है, तो कंपैरेटिवली हमारा इसमें मार्क्स गेन हो सकते हैं। इनइक्वालिटी बेस वही कंपैरिजन हो गया इधर। ठीक है, तो इसे अटेम्प्ट करिएगा। हाई लेवल नंबर सीरीज बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे तो इधर से आपके अप्रोक्स 17 to 20 मार्क्स जो भी गेन हो जाए। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँ वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके लिए मैं बताऊंगा अभी आपको, इसके बाद
और DI अर्थमेटिक बेस्ड DI होगी, तो प्लॉट करके सब चीजों का जो कंक्लूजन है वो आया आपकी अर्थमेटिक बेसिक्स आपको क्लियर है कि नहीं। तो देखो अर्थमेटिक के लिए मैं आपको बता दूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट इसे अच्छे से देख जाना, और मॉक ड्रिल सीरीज आप फॉलो कर सकते हो मेरी, ठीक है, मॉक ड्रिल सीरीज फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। और बाकी के सेशंस जो मैंने लिए हुए हैं पिछले दिनों में, लिमिटेड सेशंस है, ऐसा नहीं है मल्टीपल सेशंस मैंने लिए हुए हैं, उन सबको भी आप फॉलो कर सकते हो। एवरेज की डेविएशन वाली ट्रिक देख लेना, एक क्वेश्चन आने ही आना है इससे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI अप टू एन ईयर्स इसका कॉन्सेप्ट देख लेना, परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम का केसलेट दे आने की उम्मीद है इससे, केसलेट आने की, ठीक है। इस देख लेना मार्कअप परसेंट या डिस्काउंट परसेंट का कैसे लॉजिक होता है, क्या फॉर्मूले, फॉर्मूला मैं कहूँ बल्कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट मिनट में आप एटलीस्ट फॉर्मूले तो देख ही लेना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, ये मैं बता दूं ना, काफी लोगों को प्रॉब्लम थी है ना इस कॉन्सेप्ट में, लोग क्या करते हैं वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है, वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, इतना याद रखना। तो वेजेस से क्वेश्चन आने ही आना है, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आने ही आना है, बोट एंड स्ट्रीम से आने ही आना है, ट्रेन से आने ही आना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होने चाहिए। एंड लास्ट फोर कॉन्सेप्ट आप सुपर कॉन्सेप्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें आप 100% तक स्कोर कर सकते हो। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलेस देख लेना, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम आती है जिसमें सारे वॉवल्स आपको प्लेस करने हैं साथ में, है ना, यू हैव टू प्लेस ऑल द वॉवल्स टुगेदर, ठीक है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हम बोलते हैं वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, तो उन्हें देख जाना PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना, वर्ड प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर लो आप, चाहे वो मैं बात करूँ डाइस कार्ड्स पॉइंट्स या बॉल्स, कुछ भी हो, मार्बल्स हो सकते हैं। एलिगेशन टेक्निक का यूज करना आना चाहिए, चाहे वो आप उसका यूज आप मल्टीपल चैप्टर्स में कर सकते हो, चाहे एवरेज की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, एंड वेरियस अदर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बात रही, अगर आप चाहते हो जितने भी आपको मैंने मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स बताए इसके लिए मैं आपको एक ओवरव्यू सेशन अलग से दूँ, आपको बात समझ में आ रही है, इसके लिए एक ओवरव्यू सेशन अगर आपको अलग से चाहिए, क्या करना है, इस वीडियो का एम है 500+ लाइक्स, ठीक है, बिल्कुल डुएबल है, बिल्कुल सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इतना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स, और इफ यू वॉन्ट मोर सेशंस तो आप इसे अचीव कराइए, बिल्कुल अभी आएंगे लाइव और आपके लिए और सेशंस लाएंगे जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। और हम बात बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में RC अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब आप कहोगे सर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आप सबको पता है क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करो, इस वीडियो का एम है 500+ लाइक्स, और आप चाहते हो मार्क्स गेनिंग वाले जो टॉपिक्स है उसका एक ओवरव्यू आपको मिले, ठीक है, ओवरव्यू अभी मिले तो इस वीडियो का एम है 500+ लाइक्स, आप इसे अचीव कराओ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सेशंस। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।